उड़ीसा के बालासोर जिले में शुक्रवार को हुई ट्रेन दुर्घटना में अब तक 261 यात्रियों की मौत हो गई। इस दुर्घटना में बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी शामिल थी। बालासोर ट्रेन हादसा अब तक भारत में हुई रेल दुर्घटनाओं में से चौथी सबसे घातक हादसा है। हादसा की भयावह तस्वीरें सामने आने के बाद देश के राजनेताओं ने भी इस पर शोक जताया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष चावा कुरोशी ने उड़ीसा में इस ट्रेन हादसे में मारे गए लोगों के लिए शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, भारत के उड़ीसा में ट्रेन दुर्घटना की खबर सुनकर मुझे बेहद दुख हुआ। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ितों के साथ हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस ट्रेन हादसे के बाद भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी को अपनी संवेदनाएं भेजी है। उन्होंने कहा, इस घातक हादसे में अपने प्रियजनों को खोने वालों के साथ हमारी संवेदनाएं साथ हैं। घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करता हूँ। पीएम मोदी उड़ीसा के बालासोर में घटनास्थल का जायजा लिया। पीएम ने इसके बाद अस्पताल में जाकर घायलों का भी जायजा लिया। देश के जाने माने पहलवान कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अब राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने ब्रजभूषण शरण सिंह मामले में केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सिब्बल ने पीएम मोदी और बीजेपी की चुप्पी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि पहलवानों की ओर से लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों पर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी चुप हैं, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप लगे हैं इस मामले की जांच करने के लिए काफी है। उड़ीसा के बालासोर में शुक्रवार को हुए ट्रेन हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वालों के प्रति कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बयान जारी कर संवेदना जताई। उन्होंने ट्वीट कर कहा, उड़ीसा में भयानक ट्रेन हादसे में सबसे ज्यादा दुखी और व्यथित हूँ। मैं सभी शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ। सीएम ममता बनर्जी और रेल मंत्री में हुई नोकझोंक। उड़ीसा के बालासोर में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पहुंची हुई हैं और वह वहां पर दुर्घटना स्थल का जायजा ले रही हैं। इस दौरान उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ संबोधित किया। मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम ममता ने पास में खड़े रेल मंत्री से इस रूट पर कवच नहीं होने का कारण पूछ लिया। उड़ीसा में हुई ट्रेन हादसे को लेकर अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, झूठी सरकार की झूठी तकनीकी ने कितने लोगों की जान ले ली है। इसके लिए मंत्री से लेकर कंपनी तक सभी जिम्मेवार हैं। इस महाघोटाले और भ्रष्टाचार की एक आपराधिक मामले की तरह जांच करके दंडात्मक कार्रवाई हो, यह कवच नहीं भाजपाई कपट है। विकी कौशल और सारा अली खान की फिल्म जरा हटके जरा बचके शुक्रवार 2 जून को थिएटर में रिलीज हो चुकी है। विकी की पत्नी और फिल्म एक्ट्रेस कैटरीना कैफ ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर जरा हटके जरा बचके का पोस्टर शेयर कर लोगों से यह फिल्म देखने की अपील की है। कैटरीना ने फिल्म के पोस्टर के साथ लिखा कि यह फिल्म बहुत प्यार से बनाई गई है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी डेविड वार्नर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। आईसीसी ने ऑफिशियल वेबसाइट पर यह जानकारी शेयर की। वे पाकिस्तान के खिलाफ जनवरी 2024 में टेस्ट करियर का आखिरी मैच खेलेंगे।